भूतपूर्व सैनिकों के लिए तीन बड़ी खबर निकल कर के आ गई है 23 अप्रैल की। आज की बड़ी खबर है यहाँ पर, पहली खबर जो है यहाँ पर देख सकते हैं इस्पाल हरितवाल जी के द्वारा ओआरओपी 2 के ऊपर निकल के आ रही। दूसरी खबर जो है यहाँ पर देखा जाए तो ये भी 23 जो तारीख है उस दिन की निकल के आ रही दैनिक भास्कर की तरफ से, जो कि भूतपूर्व सैनिकों के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और इसके अलावे यहाँ पर एक लेटर जो है अप्रैल महीने का ही जो है वो काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जो कि वन रैंक वन पेंशन के रिगार्डिंग है। इन सब पर हम बात करेंगे, आपको समझाएंगे। उससे पहले अगर चैनल पे नए हैं फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नीचे सब्सक्राइब का बटन है, बगल में छोटी घंटी होगी, इन दोनों को दबा लीजिए ताकि आने वाले समय में आपको ओआरओपी एरियर वेलफेयर जैसी तमाम न्यूज अपने मोबाइल पर बिल्कुल सही सटीक मिल सके। चलिए हम न्यूज की ओर बढ़ते हैं, सब कुछ आपको बारीकी से समझाते हैं। तो यहाँ पर जो है देखिए बड़ी खबर जो है, सबसे पहले मैं बता दूं कि पेपर के माध्यम से निकल के आ रही है दैनिक भास्कर की तरफ से, जो कि 23 तारीख की एकदम लेटेस्ट अप्रैल की खबर है। और यहाँ पर देखिए केंद्र व राज्य सरकार के खिलाफ पूर्व सैनिकों का महारैली 27 को, ये इन्फॉर्मेशन निकल के आ रही है। और साथ ही में यहाँ पर जो है शिषपाल जी ने यहाँ पर बताया है कि जय जवान जय किसान, पूर्व सैनिकों जैसा कि आप सबको विदित है 20 फरवरी से पूर्व सैनिक ओआरओपी 2 में विसंगतियों व अन्य मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरना दे रहे हैं। शांतिपूर्ण धरने प्रदर्शन को 60 दिन से अधिक समय हो गया है, पर सरकार ने अभी तक हमारी मांगों पर कोई विचार नहीं किया है, इन्होंने ये कहा है। साथ ही में इन्होंने एक जो है पेपर कटिंग भी यहाँ पर लगाया है। इस पेपर कटिंग के माध्यम से मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो है इसमें साफ साफ लिखा है कि 27 अप्रैल के दिन जो है यहाँ पर एक महारैली बुलाई गई है, जिसके अंतर्गत यहाँ पर जितने भी भूतपूर्व सैनिक संगठन है वो यहाँ पर जो है शामिल होंगे। और ओआरओपी 2 में जो यहाँ पर सरकार जो है बातें नहीं सुन रही उसको रखा जाएगा, और ये रैली जो है 27 अप्रैल को यहाँ पर जो है महारैली कराई जाएगी। पोस्टर का भी विमोचन हुआ है कि किस टाइप के पोस्टर वगैरह जो है यहाँ पर जो है ये कह सकते हैं छपेंगे, और यहाँ पर जो सरकार का जो है सरकार के खिलाफ जो है यहाँ पर ये जो है अपना रैली निकालेंगे। तो बेसिकली अगर देखा जाए यहाँ पर मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें जो है राजस्थान के अंदर चलेगी, राजस्थान के अलग अलग जिलों के अंदर जो है यहाँ पर चाहे जो हमारे पूर्व सैनिक हो या फिर हमारे जो वीरांगनाएं हैं वो भी इसमें शामिल होंगी। यहाँ पर अगली खबर जो है वो यहाँ पर निकल कर के आ रही है, देख सकते हैं यहाँ पर आपके लिए, जो कि यहाँ पर निकल के आती है एक्स सर्विसमैन कोऑर्डिनेशन कमेटी के द्वारा, जो कि यहाँ पर अप्रैल की ही सबसे लेटेस्ट खबर है। और इसमें भी देखा होगा कि आपने कैसे अलग अलग संगठनों ने ओआरओपी के रिगार्डिंग अपने डीसी डीएम को अपना जो है यहाँ पर ज्ञापन वगैरह सौंपा, ताकि ओआरओपी में जो विसंगति है उसको दूर की जा सके, और जितने भूतपूर्व सैनिक हैं उनको अपना हक, अपना जो यहाँ पर कह सकते हैं मेहनत का पैसा, वो उन्हें जो है प्रदान किया जा सके। तो देखते हैं आने वाले समय में क्या क्या होता है। जो भी होगा अपडेट, जो भी होगी जानकारी चैनल पे आपको मिलेगा, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद जय भारत।